सिरसा 23 की सभी वीडियो देखने के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार। इस समय हम लघु सचिवालय सिरसा में हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि आंगनवाड़ी हेल्पर्स और वर्कर का जो धरना है वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और आज जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर हैं वो जेल जाने के लिए शपथ पत्र जो है भर रहे हैं और 500 से ऊपर जो शपथ पत्र है वो भरे गए हैं। हम आपको बताएं कि सुबह जो DSP है हेडक्वार्टर विजय कक्कड़, उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पे नज़र आ रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस के कर्मचारी कम थे और आंगनवाड़ी जो हेल्पर्स और वर्कर्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में 500 से अधिक आंगनवाड़ी हेल्पर और वर्कर्स इस समय लघु सचिवालय सिरसा में मौजूद हैं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जो जेल भरो आंदोलन से पहले जो शपथ पत्र जो लिया जा रहा है उसमें ये तमाम चीज़ें दर्ज की जा रही है कि जैसे उदाहरण के तौर पे हमने जो है इनसे एक शपथ पत्र लिया है और हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे मैं श्रीमती उर्मिला जो ये कह रही हैं कि मैं आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स यूनियंस रजिस्टर्ड 1442 संबंधित सीटू एवं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन एवं हड़ताल का पुरजोर समर्थन करती हूं। मैं इस आंदोलन में अपनी मर्जी से अपने हकों के लिए बिना किसी दबाव के जेल जाने के लिए तैयार हूं। तो ये जेल जाने के लिए शपथ पत्र भरे जा रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, जेल भरो आंदोलन के लिए जा रही हैं। मैडम, क्या नाम? सपना रानी। क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे है हमारे को पक्का किया जाए, 8100 जो हमारी मांग है वो हमारे को मंजूर नहीं है, जो इन्होंने दिया है भाषण में। हम इनको नहीं, मांगों को ठुकराते हैं और हम सारी अब हेल्पर वर्कर जेल जाएंगी और जेल में ही बैठेंगी। आपका क्या नाम है? राधा नाम है। आप हेल्पर हैं? हाँ जी। कहाँ से आप? सिरसा से हम। MC क्या मांगे आपकी? हमारी ये मांगे कि हमारा न्यूनतम वेतन 18000 लागू किया जाए। अभी हमारी 3820 रुपए है जो बहुत ही कम है। हमारा मांग है कि हमें पक्का किया जाए, न्यूनतम वेतन 18000 लागू किया जाए और हेल्पर को किया जाए। आपका क्या नाम है? मैं सिरसा ब्लॉक से शकुंतला जांगलान प्रधान। हमारी मांगे हैं हमारे को पक्का किया जाए, अगर पक्का रहे तो हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए, न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, 18000 रुपए दिया जाए। आज आप जेल जाने के लिए? हाँ जी, जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो पैदल ही जेल जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, पैदल ही। हालांकि पुलिस ने आपके लिए बसों का इंतजाम किया था। कोई बात नहीं, हम पैदल ही जाएंगे। पैदल जेल जाएंगे? पैदल ही जाएंगे जी। लगातार हमारे साथ आप बने रहिए। ये आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर हैं जो जेल जाने के लिए तैयार हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में इस समय लघु सचिवालय से ये निकल करके जो सिरसा जो जेल है उसकी तरफ ये निकल पड़ी है। देखेंगे भी देखेंगे, देखेंगे भी देखेंगे। इस समय हम मौजूद हैं पुलिस लाइन सिरसा में और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि आंगनवाड़ी हेल्पर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आज जेल भरो आंदोलन था इनका। जैसे ये लघु सचिवालय से निकली सिरसा जेल में जाने के लिए तो इनको पुलिस लाइन सिरसा के आगे रोक दिया गया। काफ़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था और फिर इनको जो है पुलिस लाइन सिरसा में ले जाया गया है। ये इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं पुलिस लाइन सिरसा की और इस समय हम पुलिस लाइन सिरसा में मौजूद है जहां ये आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर हैं। पिछले 20 दिनों से अपनी मांगों को लेकर के ये प्रदर्शन कर रही है। इनकी मांग है कि उनको वेतन दिया जाए और कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, तमाम इनकी मांगें हैं। हालाँकि कल विधानसभा में भी ये मामला उठा, कुछ महिला विधायकों की ओर से ये कहा गया कि बेशक सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दावा करती है लेकिन आज जो बेटियां हैं खास करके आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर हैं वो अपनी मांगों को लेकर के संघर्ष कर रही है और अनिश्चितकालीन इनका धरना चल रहा है पूरे प्रदेश में।